अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको उधर चैट बटन दिखाई देता है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो बटन आपको व्हाट्सएप पर ले जाता है और आप उस वेबसाइट के ओनर के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊँगा कि आप कैसे वेबसाइट पर व्हाट्सएप बटन ऐड कर सकते हैं और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करना पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है जिसके ऊपर कोई भी चैट बटन अभी तक हमने इनेबल नहीं किया है। अभी हम इसके ऊपर चैट बटन लगाएंगे। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाना है। यूज़र नेम और पासवर्ड लगा लें तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, इधर प्लगइन वाली ऑप्शन पे जाना है। लेफ्ट साइड में देखें, ये मेन्यू बना होता है, इसमें प्लगइन वाले पे जाके ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। और इधर जाने के बाद आपने ये सर्च वाली बार में जाके लिखना है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप चैट। सबसे फ्रंट पे ही आपको ये नज़र आ जाएगा वर्डप्रेस सोशल चैट। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वर्डप्रेस सोशल चैट लिखेंगे तो ये आ जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये एक्टिवेट करते ही आपका पीछे जितने भी प्लगइन इंस्टॉल होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपने इस पर ये देखना है कि ये प्लगइन किधर शो हो रहा है। ये देखें, ये प्लगइन इधर शो हो रहा है। इस पर सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये इसकी इस तरह की कुछ विंडो खुल जाएगी। ये पहले जो पेज ओपन होगा इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपने बटन वाले पे क्लिक कर लेना है। ये बटन वाले में आप इसका टेक्स्ट जो भी लिखना चाहें कि कौन सी विंडो शो होनी चाहिए। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आपने इसके साथ इस तरह लिखना है, अपना कंट्री कोड लिखना है, उसके साथ 00 या प्लस का साइन नहीं लगाना। आपने सिंपल इस तरह हम पहले इस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92। इसके बाद आगे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और नीचे ये मैसेज जिस तरह जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसको कौन सा मैसेज आए ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद बॉक्सेस में जाना है। इसमें अगर आप ये मैसेज चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। फुटर में अगर आप चेंज करना चाहें तो ये फुटर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इस पर लिख सकते हैं। कंटेक्ट में जाने के बाद आप अपना कोई भी कंटेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपने इस कंटेक्ट को एडिट कर लेना है जो पहले से एक ऐड है। इसमें आपने अपना सेम अपना नाम लिख लेना है, इधर अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। और इसके बाद सेव कर लेना है। इधर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो क्लोज कर देना इस विंडो को। इसके अलावा ये कलर वगैरह हैं, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक सेटिंग है वो आपकी हो गई है। अभी हम इसको चेक करेंगे। अभी इसी विंडो को दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। देखें जी, अभी आप देख सकते हैं कि इधर ये व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन आ गई है। अगर मोबाइल से भी कोई करना चाहे तो वो मोबाइल से भी करेगा तो उसको ये ऑप्शन शो होगी। अभी हम इस विंडो पे करेंगे तो इधर क्लिक करेंगे तो ये एक लाग से पूरी विंडो खुल जाएगी। ले ये देखें, अभी आप देख सकते हैं कि इससे हम लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना।